हेलो, स्वागत है आपका अपने चैनल प्रतिभा ज्ञान पाठशाला में। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है आपका। आप जिस जिसकी परीक्षा हो आप देख सकते हैं एडमिट कार्ड, बहुत ही महत्वपूर्ण एडमिट कार्ड है। जिसने भी ये फॉर्म अप्लाई किया था वो अपने एडमिट कार्ड निकाल सकते हैं। ये आपका कल जारी कर दिया गया था एडमिट कार्ड, देख सकते हैं। डॉक्टर आर एस टोलिया, उत्तराखंड प्रशासनिक अकादमी, राज्य संपत्ति विभाग, उत्तराखंड के लोक सेवा आयोग के द्वारा ये एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है आपका। इसमें कहा गया है, इसमें थोड़ी सी अपडेट महत्वपूर्ण सूचना क्या है वो आप देख सकते हैं। इसमें कहा गया है 13 पदों के लिए परीक्षा आयोजन 17 मार्च को किया जाएगा। 17 मार्च 2024 को कहाँ किया जाएगा? हरिद्वार में किया जाएगा। 17 मार्च 2024 रविवार को हरिद्वार नगर में किया जाएगा। वो तो परीक्षा में औपबंधिक रूप से आ रहे अभ्यर्थी दिनांक 7 मार्च 2024 बृहस्पतिवार से आयोग की वेबसाइट पे, क्या बृहस्पतिवार से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये आप वेबसाइट रखी है, इस पर जाकर आप अपने एडमिट कार्ड जारी कर सकते हैं। और जो दिव्यांगजन अभ्यर्थी हैं उनके लिए भी कहा गया है कि आप परिशिष्ट 6 का फॉर्म भरें और आयोग में जमा करें, जिससे आपके श्रुतलेख, जो आपका श्रुतलेख होगा वो आपको दिया जाए। आप उसको उसकी मार्कशीट वगैरह लेके जाएँ और मार्कशीट के साथ साथ उसकी सर्टिफिकेट है योग्यता का वो लेकर जाएँ और आयोग में जमा कर दें। यह आयोग ने कह रखा है, इसमें आप देख सकते हैं, इसमें सारा कुछ आप पढ़ सकते हैं। इसमें लिखा है हाई स्कूल से न्यून नहीं होगी। इसमें लिखा है किंतु किसी भी दशा में हाई स्कूल से न्यून नहीं होनी चाहिए। जो आपको सूत्र लेकर लेके जाएगा वो हाई स्कूल पास होना चाहिए। क्या है शैक्षिक योग्यता, क्या होना चाहिए आपकी? अनिवार्य शैक्षिक योग्यता से एक स्तर से कम होगी, किंतु किसी भी दशा में हाई स्कूल से न्यून नहीं होगी। मतलब अगर BA, इसमें अगर ये फॉर्म ग्रेजुएशन से होगा तो ये इसको आप 12वीं दे रहते हैं, 12वीं पास, उससे कम तो होना चाहिए, उससे अधिक ना हो और इतनी कम भी ना हो, हाई स्कूल से कम तो होना। तो ये इसलिए क्या रखा है आयोग ने, आप जाकर अपना श्रुतलेख के इंतजाम से कर सकते हैं। उसमें एक फॉर्म है श्रुतलेख का, वो भर सकते हैं। लिखा है दिनांक 12 मार्च 2024 तक डाक द्वारा अथवा ईमेल के माध्यम से आयोग कार्यालय में वंचित प्रस्तुत करने वाले अभ्यर्थियों को ही आयोग द्वारा श्रुतलेख अनुमान्य किया जाएगा। यह ऐसी महत्वपूर्ण अपडेट थी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।